चलिए तो शासन की करते हैं शुरुआत। और जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल दोनों से पहचान ही लिया है कि आज हम मेन रूप से दो पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। पहला सवाल या पहला पॉइंट तो ये है कि हम एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए किन टेक्निक का यूज करें, या फिर हमारी वो कौन सी ट्रिक है जो वन डे एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम करने के लिए यूज की जाती हैं, या फिर उन ट्रिक्स की मदद से हमारा जो क्वेश्चंस करने का जो प्रोसेस है ना वो काफी सरल हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम मॉक टेस्ट लगाएं या टॉपिक वाइज टेस्ट लगाएं तो उसमें जब स्कोर कम आता है तो उस स्कोर को कैसे इम्प्रूव किया जाए। ये वो दो सवाल हैं जो भारी मात्रा में स्टूडेंट के द्वारा आज और पहले भी पूछे जाते रहे हैं। मैंने ये वीडियो सेपरेट सेपरेट बनाया था लेकिन आज कंबाइंड बनाने जा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों हमारे जो पॉइंट हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि आखिर हमारे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हम किन ट्रिक्स का यूज करें, या फिर वो कौन से स्टेप हैं जिनको फॉलो करके हम एमसीक्यू को बहुत आसानी से और बिना क्वेश्चन छोड़े कर सकते हैं। तो उन टेक्निक या फिर ट्रिक्स को पहले समझेंगे। चलिए तो ट्रिक्स या फिर टिप्स को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट में हमें अपने पेपर को, यानी डू फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको अपने पेपर को सेक्शंस में डिवाइड करना होगा। अब काफी लोग ये कहेंगे सर व्हाट इज अ सेक्शन, आखिर सेक्शन होता क्या है? तो सेक्शंस का मतलब होता है कि आपके पेपर में कितने सब्जेक्ट आते हैं। जैसे सीबीएसई एग्जाम को अगर हम टारगेट रखें तो कंप्यूटर आता है जो कि 52 नंबर का रहता है, मैथ 6 नंबर का, रीजनिंग 6, जीए 6 और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये वो पांच सब्जेक्ट हैं जो हमारे सीपीसीटी पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने एग्जाम्पल सीपीसीटी का पेपर लिया है। ये जो टेक्निक है, ये जो ट्रिक्स है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के लिए ये मतलब कारगर साबित होगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सपर्ट की राय के अकॉर्डिंग बनाई गई है। चलिए तो सबसे पहले तो डिवाइड करना है। डिवाइड आपको जो टॉपिक लगे, मतलब जो टॉपिक सिलेबस में डिवाइड होते हैं उन्हीं के आधार पर, ठीक है। अब ये डिवाइडेशन क्यों जरूरी है, इसके लिए हमें जब हम स्टेप की बात करेंगे, ट्रिक्स की बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। चलिए तो सबसे पहले नंबर पर पॉइंट है कि आपको उन टेक्निक को रिमेम्बर और अप्लाई करना है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने बताया आपने सुना अप्लाई नहीं किया, तो फिर इस वीडियो को देखने का कोई मूल्य नहीं है। चलिए सबसे पहला जो टेक्निक है वो है कि क्वेश्चन रीड स्लोली, यानी जब हम पेपर में क्वेश्चन को रीड करते हैं तो उसे फास्ट रीडिंग नहीं करनी चाहिए, स्लोली रीडिंग करो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो जब आप क्वेश्चन को स्लोली रीड करोगे तो क्वेश्चन एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन को फास्ट रीड करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, रीडिंग के लिए आपको वापस फिर से आना पड़े, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन को रीड करने में आपने डबल टाइम दिया। तो टाइम को बचाने के सबसे महत्वपूर्ण टिप्स ये कि आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से पढ़ना चाहिए, ऐसी स्पीड से पढ़े, जरूरी नहीं स्लोली पढ़े। अगर आप क्वेश्चन फास्ट पढ़ सकते हैं तो फास्ट के अलावा समझना जरूरी है। आपको जिस स्पीड से क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आती है उस लैंग्वेज से, उस स्पीड से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो स्पीड वाला जो टेक्निक है ये हर क्वेश्चन पर अलग अलग स्पीड के साथ जाता है। जैसे काफी और क्वेश्चन आसान होते हैं उन्हें बहुत फास्ट तरीके से हम पढ़ जाते हैं, लेकिन जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक आप फास्ट पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। स्लोली इसीलिए बोला गया है कि समझ में आए उस स्पीड से क्वेश्चन को उठाओ, ठीक है। पहला टेक्निक समझ में आया। दूसरा था नेवर फॉलो सीक्वेंस, यानी कभी भी आपको सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। सर ये क्या होता है? यानी जरूरी नहीं है कि पहले क्वेश्चन से ही आप पेपर को स्टार्ट करो। आपको आपके पेपर में जो सेक्शंस आपने डिवाइड किए हैं, जो सब्जेक्ट आपके पेपर में आ रहे हैं,
जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा सरल लगता है आप उसे पहले उठाओ। जैसे सीपीसीडी पेपर में सबसे ज्यादा कंप्यूटर आता है और मोस्ट ऑफ द केस में स्टूडेंट कंप्यूटर ही उठाते हैं, तो आप कंप्यूटर को उठाओ। आपको लग रहा है कि जीएस आपका बहुत अच्छा है तो आप जीएस को उठा लो, आप मैथ्स ले लो, रीजन ले लो, कोई भी सेक्शन ले सकते हो, सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। और सीक्वेंस सेक्शंस के अलावा आपको क्वेश्चंस का भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। ऐसा जरूरी नहीं कि आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर आपको दूसरा करना ही है, कोई जरूरी नहीं। अगर आपको आएगा तो ही करोगे, अदरवाइज आपको क्या करना है ये आपको स्टेप नंबर थर्ड बताएगा या टेक्निक नंबर थर्ड। टेक्निक नंबर थर्ड है कि क्वेश्चंस को आपको जो क्वेश्चंस का अटेम है उसे सेकंड स्टेज में डिवाइड करना। आपने मेरे मुंह से अक्सर सुना होगा कि आप अपने पेपर को सेकंड साइकिल में डिवाइड करो, सेकंड साइकिल। अब आपको समझ में आ गया है कि सेकंड साइकिल क्या होता है। सेकंड साइकिल का मतलब है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर आपको क्वेश्चन 100% आ रहा है तो आप आंसर करेंगे, अदरवाइज उस क्वेश्चन को मार्क रिव्यू कर देंगे। तुक्का भी लगा रहे तब भी मार्क रिव्यू करना, आंसर मत करना। हाँ, आंसर के बाद मार्क रिव्यू के दो तरीके रहते हैं। आप आंसर लगा के मार्क रिव्यू कर सकते हैं और विदाउट आंसर मार्क रिव्यू कर सकते हैं। सर ये आता कहाँ पर है, तो इसके लिए मैंने फिगर ले रखा है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो इस प्रकार का क्वेश्चंस के कलर कॉम्बिनेशन आता है। ये जो कलर है एग्जाम का, अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चंस का, तो ये मान के चलना कि पेपर का जो आधा वजन है टाइम वाला, काफी स्टूडेंट आपसे सुना होगा कि वो ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम कम पड़ गया, दो क्वेश्चन छूट गए, चार क्वेश्चन छूट गए, तो ये कलर कॉम्बिनेशन समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो आपसे कभी नहीं छूटेंगे। जैसे अगर मैं इस कलर में आपको बात करूं तो ग्रीन है ना, ग्रीन आपका आंसर्ड, यानी उन क्वेश्चन के बात करा जिनको आपने आंसर्ड कर रखा है। रेड की बात करें तो नॉट आंसर, जिन पर आपने आंसर ही नहीं किया है, ठीक है। अगर आप व्हाइट की बात करें नॉट विजिटेड, यानी आपने उन क्वेश्चन को अभी तक अटेम नहीं किया। नेक्स्ट है पर्पल कलर के, आपके दो ऑप्शंस हैं, एक है पर्पल मार्क रिव्यू और एक है आंसर के बाद मार्क रिव्यू, लेकिन विल नॉट बी कंसीडर फॉर इवेल्यूएशन। अगर आपने किसी क्वेश्चन पर आंसर कर दिया, मार्क रिव्यू लगा दिया, तो वो आपके इवेल्यूएशन यानी काउंटिंग में ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा हम करते क्यों हैं? ऐसा हम इसीलिए करते हैं, सपोज़ड कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है लेकिन 50-50 में जा रहा है, दो ऑप्शन 50 में जा रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को आंसर करके मार्क रिव्यू कर सकते हैं बाद में रिव्यू करने के लिए। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं और आपने सुना भी होगा कि जब आप हमारे पावर ऑफ मॉक टेस्ट लगाते हैं तो पावर ऑफ मॉक टेस्ट लगाने से आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो एग्जाम को सबमिट करने से पहले ही आपको अपना रिजल्ट सामने होता है। वो इसीलिए होता है, अगर आप इस नंबर्स के कलर कॉम्बिनेशन को समझेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि आंसर्ड आपके कितने, ऐसा दो क्वेश्चन आपने आंसर करे हैं, यानी ये जो कलर्स हैं यहां से आपको एक चीज आइडेंटिफाई हो जाती है कि हमने पहली साइकिल में कितने क्वेश्चन मार्क रिव्यू किए, कितने आंसर करे। अगर आप पहली साइकिल में नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करने वाले ज्यादा हैं तो आप समझ जाना कि आपका पेपर क्वालिफाई हो रहा है। हाँ, अगर आपके मार्क रिव्यू ज्यादा जाए तो समझ जाना फिर आपको एक्स्ट्रा समय बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। यही वो नंबर की काउंटिंग है, यही वो क्वेश्चंस की काउंटिंग है जो आपको पेपर सबमिट करने से पहले बता देती है कि आपका स्कोर कितना आएगा। और हाँ, पहली साइकिल यानी जब आप सेकंड साइकिल में डिवाइड करते हैं, सेकंड स्टेज में डिवाइड करते हैं, पहली स्टेज में उन्हीं क्वेश्चन को करें जिन्हें आप 100% मतलब उनका आंसर आपको बताए, 1% भी डाउट है, मार्क रिव्यू करके आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अगला टेक्निक है हमारा, टेक्निक नंबर 4 एलिमिनेशन, सबसे बेहतरीन है ये एलिमिनेशन मेथड। आपको सेकंड जो साइकिल है वहां पर बड़ी मदद करेगा। जैसे आपने कोई क्वेश्चन मार्क रिव्यू किया, अब उस मार्क रिव्यू में आपके पास दो ऑप्शंस जाएंगे। पहला कि उसके ऑप्शन में आप फंस रहे हो, यानी दो ऑप्शन में फंस सकते हो, तीन में फंस सकते हो, यानी क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन ऑप्शन आप क्लियर नहीं कर पा रहे।
दूसरा तरीका ये है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऑप्शंस के साथ डीलिंग ही नहीं कर पाओ, मतलब आपको क्वेश्चन के बारे में ही नहीं पता तो ऑप्शन पर जाने की कोई जरूरत ही नहीं कि ऑप्शंस क्या कह रहा है। फिर भी जब आपको किसी क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता, बिल्कुल नई लैंग्वेज है, तो कोशिश करना उसके ऑप्शन को रीड कर। जब आप रीड करोगे तो रीड करते ही आपको पता चल जाएगा कि इनमें से किस ऑप्शन को आपने पहले से पढ़ रखा है। तो क्वेश्चन अक्सर दो फॉर्म में आते हैं हार्ड क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन नया करते हैं, ऑप्शन पुराने कर देते हैं, और जब क्वेश्चन पुराना करते हैं तो ऑप्शन नया कर देते हैं। इस प्रकार से हार्ड क्वेश्चन की कैटेगरी आज बनाई जा रही है। एलिमिनेशन के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं, पहला रिमूव ऑफसेट ऑप्शन, यानी उन ऑप्शन को हटा दीजिए जो आपको लग रहा है कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। सर ऑफसेट का मतलब होता है जैसे एमएस वर्ड का क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन में एमएस एक्सेल है या पावर पॉइंट है तो वो ऑफसेट हो गए, वो उस टॉपिक से मैच ही नहीं करते। ऑफसेट का मतलब है कि पर्टिकुलर टॉपिक से ऑप्शन मैच नहीं करता, उसे एलिमिनेट कर दो। अगला दूसरा मेथड है ऑल ऑफ दी अबव या फिर नन ऑफ दीज, ना ये वो ऑप्शंस हैं जो मोस्ट ऑफ द केस में या तो आंसर होंगे या फिर एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे ऑल ऑफ दी अबव में अगर आप जाओगे तो काफी केस ऐसे आते जिसमें ऑल ऑफ दी अबव आंसर होता है, नन ऑफ दीज मोस्ट ऑफ द केस में एलिमिनेशन में जाता है जब हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं, ये आंसर में बहुत कम आता है। ठीक है, चलिए अगला एंड फिफ्थ नंबर का हमारा टेक्निक है मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन, यानी ये वो ऑप्शन है जो तुक्का लगाने का आपको मेथड देगा। आप जो तुक्का लगाते हैं, काफी स्टूडेंट तुक्का लगाते हैं, हर एक क्वेश्चन का तुक्का उनका अलग होता है। कोशिश करिएगा अगर आप चार क्वेश्चन पर तुक्का लगा रहे हो तो चारों का एक ही ऑप्शन रखें, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है क्वेश्चन सही करने की। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन के दो ऑप्शन में आप फंस रहे हो तो फिर आपको उस क्वेश्चन में अपने हिसाब से ऑप्शन लगाना है, ना कि प्रोबेबिलिटी के आधार पर लगाना है। ठीक है, लास्ट टेक्निक है आपकी स्मार्ट स्टडी। सर ये क्या होता है? स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि अगर आप पेपर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको 80-20 का रूल्स पता होना जरूरी है। ये आपके मतलब वर्किंग के आधार पर आपके पेपर में भी अप्लाई होता है, यानी 80% वो कंसेप्ट होते हैं जो हमेशा रिपीट हो के आते हैं, 20% के वो कॉन्सेप्ट है जो कभी कभी आते हैं। तो सबसे प्रायोरिटी होती है कि आपको उन 80% के कॉन्सेप्ट या टॉपिक की बात करनी होती है जो हर बार आते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा? आप PYQs उठाइए, वो खुद बता देंगे कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बार बार आते हैं, तो उन्हें पहले खत्म करो उसके बाद 20 पर जाओ अगर आपको समय बचता है तो। ठीक है, तो यहां पर हमने उन टेक्निक या ट्रिक्स की बात की जिन्हें अप्लाई करना चाहिए हमें किसी भी टेस्ट को अटेम करने में, चाहे वो हमारा मॉक टेस्ट हो, वन डे एग्जाम हो या फिर क्विज हो। क्विज और मॉक टेस्ट से ही अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में इन टेक्निक का यूज करना आपके लिए काफी आसान होगा। डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई करोगे हो सकता है आप ना कर पाए, समय जहां हम सोच रहे थे ज्यादा बचेगा वो बचे ही ना। ठीक है, चलिए दूसरा कंसेप्ट है हमारा कि जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं या क्विज लगाए तो हमारा स्कोर बहुत कम आता है, तो हम अपने स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो स्कोर इंप्रूव करने के लिए मैंने चार स्टेप आपके लिए डिवाइड करे हैं। अगर आप इन चार स्टेप को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर पहले पेपर में जो आया, पहले टेस्ट में जो आया, दूसरे टेस्ट में अपने आप आपको डिफरेंस नजर आएगा। कैसे? आप स्टेप के नाम सुनिए, नाम सुनते ही आपको खुद लगेगा हाँ सर आप सही कह रहे हैं। चलिए पहला स्टेप है यानी स्टेप टू इम्प्रूव योर टेस्ट स्कोर, आप पहला स्टेप है एनालाइज योर टेस्ट। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने कोई पेपर लगाया, कोई टेस्ट लगाया, तो उस टेस्ट को एनालाइज नहीं करते, सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा 75 में से इतने नंबर आए, ठीक है हो गया, कम इतने नंबर नहीं आए। आपको एनालाइज ऐसे नहीं करना, आपको हर एक सब्जेक्ट का टारगेट पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप पास होना चाहते हैं तो कंप्यूटर में मिनिमम 30 नंबर आने चाहिए। एनालाइज का मतलब है कि आपको कंप्यूटर में क्या 30 आए। अगर आपको मैथ्स नहीं आता और मैथ्स में आप 2 नंबर ला पा रहे हैं तो आप अपने आप को अच्छे मोड में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको मैथ्स नहीं आता और मैथ्स में आपका नंबर 0 है तो कहीं ना कहीं फिर आपको मेहनत और करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो एनालाइज का मतलब है कि सब्जेक्ट के आधार पर आपका टारगेट क्या है और आपको स्कोर कितना मिल रहा है,
दोनों में रिलेशन बिल्ड करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक। जब हम पेपर लगाते हैं तो टोटल क्वेश्चन तो पता चल गए कि हमारे इतने में से इतने आए, लेकिन बाकी के नंबर कहाँ गए। सपोज दैट अगर आपके 52 का पेपर हुआ, उसमें से आपके 35 नंबर आए, तो 35 के अलावा बाकी 17 नंबर कहाँ गए, ये आपको ढूंढना है अपनी मिस्टेक्स को फाइंड करके कि हाँ ये गलती मैंने की। यानी सेकंड स्टेप में आप अपनी गलतियां ढूंढिए उस पेपर टेस्ट में जो अभी आपने रिसेंटली लगाया है। जैसे आप गलती को फाइंड आउट कर लेते हैं, उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन के बाद स्टेप नंबर थर्ड है कि आइडेंटिफाई योर वीक एंड सॉरी वीक सब टॉपिक एंड कंसेप्ट। यानी हमारे उन टॉपिक्स को निकालिए जो हमारे वीक हैं। सर पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा जब आप पहला टेस्ट लगाओगे या पहला पेपर लगाओगे तो वो खुद बता देगा कि जो क्वेश्चन गलत हुए वही हमारे वीक में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने दोनों चीजें लिखी हैं, क्योंकि टॉपिक वीक नहीं होता, उसके सब टॉपिक और कंसेप्ट वीक होते हैं। तो उनको आपको आइडेंटिफाई, जैसे नंबर सिस्टम है, आप नंबर सिस्टम में नंबर कन्वर्जन इंपोर्टेंट सीरीज के तो सारे कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है आपको ऑक्टल से हेक्सा ना आए या फिर हेक्सा से ऑक्टल ना आए, इनका एडिशन आपसे ना आए, तो ये आपके बी कंसेप्ट में आ जाएंगे। अगर इनसे क्वेश्चन आता है तो आपको कहीं ना कहीं फिर दिक्कत होगी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 4, यानी जो हमारे वीक है, यानी प्रैक्टिस दोज वीक सब टॉपिक्स या फिर कंसेप्ट जो कि हमारे वीक है, यानी उन सब टॉपिक्स पर प्रैक्टिस करें जिन्हें आपने वीक में आइडेंटिफाई किया है। और अच्छी बात पता है क्या है कि ये सारी चीजें, चाहे तो आपके टॉपिक्स हो चाहे आपके कंसेप्ट हो, इनको मैंने अपने पावर ऑफ मॉक टेस्ट में अपलोड कर रखा है, टॉपिक वाइज भी। सुपर, इस बार तो मैं सुपर क्विज लाया हूँ। सुपर क्विज से क्या होता है कि हर टॉपिक का मिनिमम एक क्विज तो आपको मिल ही जाएगा, वो सुपर क्विज जिसमें सारे वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो अगर सेशन को मैं समराइज करूं, तो अगर आपने मॉक टेस्ट अटेम कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो अटेम करने के लिए आप जो मैंने स्टेप आपको बताई, जो टेक्निक आपको बताई, उन टेक्निक को आप फॉलो करना। दूसरा, जो भी स्कोर आपको आता है, स्कोर का तो चिंता लेनी है, चाहे आपका 40 आए 50 आए कि और क्यों नहीं आया, तो उस पेपर को आपको 4 स्टेप के माध्यम से एनालाइज करना है। एनालाइज से आपको ये बताना है कि किस सब्जेक्ट में कितने आए। दूसरे में आपको वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है, दूसरे में अगर मैं बात करूं तो दूसरे में हमारे पास क्या था, पहले में हमारा मतलब पहले में सब पहले में माइंड से निकल गया एनालाइज था, दूसरे में हमारे मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना, तीसरे में वीक टॉपिक को निकालना, फिर उन पर प्रैक्टिस करना। तो ये वो स्टेप हैं। हाँ, अटेम करने के लिए, अगर आपको अटेम पेपर अटेम करने का कोई भी टेक्निक याद रहे या ना रहे, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि आप किसी भी एग्जाम का पेपर दें, आपको पेपर को मिनिमम से मिनिमम सेकेंड साइकिल में डिवाइड करना होगा। इससे आपका कभी एग्जाम में समय कम नहीं होगा। मतलब होता है ना कि हमारे एग्जाम में हमें समय कम पड़ गया, इतने क्वेश्चन छूट गए। दूसरा, आपने सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं मिले, काफी टप लेवल का था। तो इस सेकेंड साइकिल की मदद से आपका एक तो समय का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, दूसरा कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आते उन क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन सरल है, जो हमें आते हैं, उनमें कम समय लगा, और जो समय बचा है उसे हम उन क्वेश्चंस में लगा सकते हैं जो हमें नहीं आते। एक्चुअली में अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली रूप से आपका जो स्कोर है और जो पावर ऑफ मॉक टेस्ट का हमने जो स्लोगन दिया है कि एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग, वो आपको जरूर दी जाएगी। एग्जाम सबमिट करने से पहले ही आपके पास रिजल्ट होगा कि आप पास होंगे या फिर फेल होंगे, जो भी रहेगा। उम्मीद है कि आपको दोनों के दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। हाँ, अगर आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करनी है
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट है, मैंने आपके टॉपिक वाइज रिवीजन भी रखा है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी रखी है, जिससे टॉपिक पर आप प्रैक्टिस करके आगे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।